बिफोर स्टार्ट विद द सेशन जल्दी से आ जाओ और अपने अपने फ्रेंड्स को भी बता दो हम आ गई हैं नहीं बेटा नेट इशू हेलो एवरीबडी हेलो गुड इविन चलिए बेटा क्यों तो करते हैं आज का से? जब भी आप अनडमी पे क्या करेंगे अकाउंट बनाएंगे तो आप कोड यूज करेंगे डॉक्टर प्रणाली लाइव ये यूज करने से आपको क्या होगा कि फ्री में आप फ्री की क्लासेस एनरोल कर पाएंगे है ना और टेन परसेंट ऑफ मिलेगा अगर आप सब्सक्रिप्शन करना चाहते हैं तो दिस इज माय कोड और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जरूर पार्ट लो बेटा है ना बहुत बहुत अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज हो रही है जिसमें आपको काफ़ी सारी टेस्ट परफॉर्मेंसन का पेपर एवरीथिंग इज अवेलेबल तो अब नेक्स्ट होने वाली है फर्स्ट सेप्टेम्बर को बी रेडी फॉर दैट चलिए तो क्वेश्चन नंबर वन से शुरू करते हैं आज हमको रैपिड फायर करना है कैसा करना है बेटा रैपिड फायर करना है जोश से बिल्कुल हाई जोश के साथ आ जाओ बिल्कुल तीन पर ध्यान रखना तुरंत तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करना मज़ा आ जाएगा बिल्कुल मज़ा आ जाएगा चलो आ जाओ हाँ शुरू कर दो बेटा और क्या जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन से शुरू करते हैं ऑफ फॉलोइंग लेस जनरल क्या मतलब होता है मोर मतलब स्पेसिफिक अब मैंने माइक पास में रख लिया अब बिल्कुल आवाज नहीं आएगी नो वॉइस प्रॉब्लम चलिए हाँ तो क्वेश्चन नंबर वन का क्या आंसर हो जाएगा लेस जनरल है मतलब मोर स्पेसिफिक है कौन ज्यादा स्पेसिफिक है तो स्पीशीज क्या है ज्यादा स्पेसिफिक है नेक्स्ट बैक्टीरिया वर प्लांट्स बिकॉज एक्चुअल में स्टार्टिंग में जब है ना ज्यादा पांच वाच किंगडम बनी नहीं थी बैक्टीरिया को उठा के बोला तुम तो प्लांट हो क्यों बोल दिया था इनको प्लांट क्योंकि इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है इसीलिए बोल दिया था गलती से बोला था लेकिन बोल दिया था बुरा मान गए थे बैक्टीरिया सेकेंड so का क्या आंसर हो जाएगा सेकेंड का आंसर हो जाएगा फोर सेकेंड का आंसर हो जाएगा फोर नेक्स्ट एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एलगी फंगस और एल्गी की रिलेशनशिप होती है इसको क्या बोलते हैं इतना इजी क्वेश्चन हम धूम मचा देंगे मैम ऐसे पेपर में द आंसर इज लाइक नेक्स्ट मॉसिस एंड इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस इनको नमी में रहना पसंद है इनको ऐसे छाव वाली जगह पे शेड वाली जगह पे रहना पसंद है क्यों पसंद है इनको क्योंकि इन्हें क्या चाहिए इन्हें वाटर चाहिए ना फर्टिलाइजेशन के लिए तो फोर्थ का क्या आंसर हो जाएगा बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन एक्सीलेंट बता दो बेटा दूसरे अपने अपने ग्रुप्स पे कि मैम आ गई है पता चला बच्चे वेट ना कर रहे हो नेक्स्ट नेक्स्ट पर आ जाओ विच ऑफ द फॉलोविंग इज लिविंग फॉसिल लिविंग फॉसिल कौन है जीता जागता फॉसिल कौन है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल फिफ्थ का आंसर है जिंको बाइलोबा ये दिया है हमारी एनसीआरटी में दिया है इसकी सुंदर सी फोटो दी है फोटो याद आई क्या इट इज जिंको बायलोबा चलिए नेक्स्ट पर आ जाए अब वॉइस फाइन है क्या हाँ बस ऐसी वॉइस होना चाहिए ना माइक दूर था बता दिया करो कैरेट इज माइक्रोप्रपगेटेड थ्रू है ना हाँ कैरेट का माइक्रो माइक्रोप्रोपेसन कैसे होता है कैरेट का माइक्रो माइक्रोप्रोपेसन होता है विद दी हेल्प ऑफ दी कैलिस किसकी मदद से होता है कैलिस की मदद से होता है वेरी गुड बहुत बढ़िया चलिए नेक्स्ट पर आ जाएंगे एक्साइन ऑफ पॉलिन इज फॉर्म्ड बाई दी ऑफ एग्जाइन कौन बनाता है कौन है जो एग्जाइन बनाता है क्वेश्चन नंबर सेवन एक्जाइन ऑफ पॉलन इज फॉर्म्ड बाई द एक्टिविटी ऑफ एक्जाइन इज ऑफ पॉलन इज फॉर्म्ड बाई द एक्टिविटी ऑफ बताओ जल्दी जल्दी बताओ किसकी एक्टिविटी से बनता है ये नहीं पूछा है किसका बना है ये पूछा है कि किसकी एक्टिविटी से बनता है हाँ तो एक्चुअल में यूबिश बॉडीज होती हैं ये कौन देता है टपेटम देता है यू बी आई एस सी एच बॉडी रहती है ये टपेटम से बनती है जो एग्जाइन की थिकनिंग में मदद करती है इसलिए आंसर हो जाएगा ए चलो एक नई चीज पता चली आज ब्रायोफाइट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एलगी बिकॉज ब्रायोफाइट और एलगी को कैसे सेपरेट करेंगे क्वेश्चन नंबर एट बायो ब्रायोफाइट और एलगी को कैसे सेपरेट करेंगे नाइस nice क्वेश्चन ऐसे सेपरेट करेंगे कि इसमें आर्चिगोनिया है और आउटर लेयर ऑफ स्टराइल सेल है तो एट का आंसर हो जाएगा थ्री मीजोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलीसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू इन किस किस में डिफरेंशिएटेड है कैसे कैसे डिफरेंशिएटेड है बताइए नाइन्थ मीजोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलीसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू इन डायकॉट लीव्स वेरी गुड डायकॉट लीव्स में होता है बहुत अच्छे नेक्स्ट पर आते हैं सिलेक्ट द करेक्ट मैच करेक्ट मैच बताइए करेक्ट मैच क्या है ये तो बहुत बार एग्जाम में आया है हाँ जूलियस वॉन्सैक इन्होंने हाइड्रोपोनिक डिस्कवर किया था ये क्या थे जर्मन बॉटनिस्ट थे तो आंसर हो जाएगा टेंथ का वन टेंथ का क्या आंसर हो जाएगा वन अब इलेवेंथ पे आ जाओ वर्टिब्रिल कॉलम इज फॉर्म्ड इन प्लेस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम कौन बनाता है बेटा वर्टिब्रल कॉलम कौन बनाता है तो वर्टिब्रल कॉलम बनाता है हमारा नोटोकॉर्ड कौन बनाएगा नोटोकॉर्ड बनाएगा नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ निडोब्लास्ट या स्टिंग सेल निडोब्लास्ट का फंक्शन नहीं है स्टिंग सेल का फंक्शन नहीं है स्टिंग सेल क्या नहीं करते हैं रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं एनकरेज करते हैं अटैच होते हैं डिफेंस करते हैं कैप्चर ऑफ प्रे करते हैं सब कुछ करते हैं बस वही नहीं करते हैं रिप्रोडक्शन नहीं करते नेक्स्ट पर आ जाओ साउंड इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मिडिल ईयर टू इंटरनल ईयर ड्यू टू मिडिल ईयर से इंटरनल ईयर तक साउंड कैसे जाएगा कैसे जाएगा साउंड क्वेश्चन नंबर थर्टीन वेरी गुड वाइब्रेशन से जाएगा बेटा ऑफ दी

वेरी गुड बहुत बढ़िया वार्बर्स इफेक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है वार्बर्ग इफेक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है कि जो लो रेट होता है ऑफ प्रोसेस ड्यू टू हाई ओटू सप्लाई मतलब ऑक्सीजन ज्यादा तो क्या हो जाएगा लो रेट ऑफ प्रोसेस हो जाएगा क्या बताइए वॉट इज कॉल्ड वारबर्ग इफेक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेरी गुड बहुत अच्छे रिप्लाई सही आ रहा है फिफ्टींथ का हम्म बहुत अच्छे नेक्स्ट पर आ जाओ सॉइल नॉट ओनली सप्लाईज मिनरल बट ऑल्सो हार्बर्स डैश एंड सप्लाईज डैश टू द रूट चूज द करेक्ट टर्म ऑफ अब ब्लैंक्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन ठीक है तो कहना क्या चाह रहे हैं कहना ये चाह रहे हैं कि सॉइल में न्यूट्रिएंट के साथ साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी है और सॉइल एयर भी सप्लाई करता है रूट को तो 16th का क्या आंसर हो जाएगा 16th का आंसर हो जाएगा 2 अ फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर जीएफआर कम हो गया तो क्या एक्टिवेट हो जाएगा जीएफआर अगर कम हो गया तो क्या रिलीज होगा अब हम जीएफआर को बढ़ाना चाहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कैसे बढ़ाएंगे तो जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल है वो रेनिन को रिलीज करेंगे जो जी एफ आर बढ़ाएगा जो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम इट इज अच्छा एटीनथ पर आ जाओ कैसे अटैच होता है एटीन कैसे अटैच होता है बेटा बहुत बढ़िया टाइटली अटैच होता है क्या इज इट टाइटली अटैच क्या वेरी गुड बहुत अच्छे बेटा ऐसे रिप्लाई आने दो आखिरी में शाउटआउट मिलेगा प्रोस्थेटिक ग्रुप इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट बाय एंजाइम इट इज हाउ अटैच टू ऑर्गेनिक पार्ट बताओ बहुत अच्छे टाइटली अटैच्ड बेटा टाइटली क्या प्रिवेंट करती है मैटोसिस को वेरी गुड क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इसका क्या आंसर हो जाएगा मेटाफेज स्टेज इसीलिए इसको मैटोटिक पॉइजन भी बोलते हैं मेन फंक्शन ऑफ रॉड इन दी आई रॉड का क्या फंक्शन है हाँ तो रॉड का ये फंक्शन है ये डिम लाइट में भी आपको दुनिया दिखाती है तो ट्वेंटी का आंसर क्या हो जाएगा ट्वेंटी का आंसर हो जाएगा थ्री कि डिम लाइट में भी दुनिया को दिखाएगी नेक्स्ट कोकोनट मिल्क कंटेन्स कोकोनट मिल्क में क्या है वज कोकोनट मिल्क कंटेन्स तो कोकोनट मिल्क क्या कंटेन करता है इट कंटेन्स साइटोकाइनिन क्या इसमें होगा साइटोकाइनिन

डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर टिपिकल साइज मतलब सबसे बड़ा क्या है फिर उससे छोटा क्या है फिर उससे छोटा क्या है फिर सबसे छोटा क्या, क्या है बताओ ट्वेंटी थ्री सबसे बड़ी है आरबीसी फिर उसके बाद बैक्टीरिया फिर उससे छोटा माइकोप्लाज्मा और वायरस तो सबसे छोटा ही होगा स्पेसिफिसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू अलग अलग टाइप के प्रोटीन इतने ज़्यादा स्पेसिफिक क्यों है क्या इनको स्पेसिफिक बना रहा है ठीक है हाँ तो ये सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जिनको क्या बता रहा है बना रहा है स्पेसिफिक बना रहा है वेरी गुड है ना बहुत अच्छे चलिए नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट बताइए और क्या बताना है ट्रू क्या है और फॉल्स क्या है हम्म ग्रोथ हॉर्मोन आर ऑल्सो सिक्रीटेड बाय अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू नहीं ग्रोथ हॉर्मोन तो किससे हो रहा है पिट्यूटरी से हो रहा है ये तो एंडोक्राइन है ये हो गया आपका फॉल्स फिर आ जाओ हॉर्मोन सिक्रीटेड ड्यूरिंग एनर्जी इज फ्रॉम जोना ग्लो मैरुलसा नो 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 ये भी हमने नहीं पढ़ा ग्लूकोज होम्योस्टास इन ब्लड इज मेन्टेन बाई इंसुलिन ओनली नो मैम ग्लूकेगॉन खड़े खड़े देखेगा थोड़ी ये डिक्रीज कर रहा है

ट्वेंटी सिक्स का आंसर बता दो इट इज ट्रिप्सिनोजन ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टम इज प्रजेंट इन ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम किस में प्रजेंट है तो एस्कीडिया में है क्या इट इज प्रेजेंट इन एस्कीडिया नेक्स्ट फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट बताइए कौन कौन सा सही है किडनी प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन दूरिया रिमूवल हाँ ह्यूमन किडनी प्रोड्यूस करते हैं हाइपरटोनिक यूरिन मतलब कंसेंट्रेटेड यूरिन नियरली फोर टाइम्स सही बात है यूरिया मे बी रिटेन इन द किडनी हाँ ऑस्मोलैरिटी के लिए बेटा सारे स्टेटमेंट सही है तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज लिग्निन डिपोजिशन कहाँ कहाँ मिलेगा लिग्निन इसमें नहीं पेरिन कामत में तो मिलता ही नहीं है इट विल बी सीन इन दी स्लैरिट जैन फाइबर तो ट्वेंटी नाइन का क्या आंसर हो जाएगा ट्वेंटी नाइन का आंसर हो जाएगा थ्री वेरी गुड बहुत अच्छे फाइंड द इन करेक्ट फ्रॉम द फॉलोविंग इन करेक्ट फ्रॉम दॉलोविंग थर्टी इन करेक्ट क्या है इसमें से इन करेक्ट क्या है थर्टी ये देखो ये वाला इनकरेक्ट है क्यों इनकरेक्ट है वो बोल रहा है कि प्लांट और एनिमल में ग्रोथ दिखेगी नॉन लिविंग में नहीं दिखेगी तो नॉन लिविंग में भी तो ग्रोथ होती है नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं हम एक्सट्रिन्सिक ग्रोथ ठीक है एक्सट्रिन्सिक ग्रोथ क्या होती है एक्सट्रिन्सिक ग्रोथ वो ग्रोथ होती है जिसमें एक्यूमलेशन हो जाता है सब्सटेंस का बॉडी के ऊपर ठीक है अंदर से नहीं होती है बाहर से ग्रोथ होती है अरे अभी सॉल्व करा अब इसको कोई गलत नहीं लगाएगा बेटा ये वाली मॉक में हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं थर्टी वन का क्या आ जाएगा बता दीजिए बेटा जल्दी से थर्टी वन का क्या आ जाएगा इट इज़ मेटाफेज एंड इट इज़ नोन एज माइटोटिक पॉइजनिंग अभी तो आया था भूल गए क्या अभी दो चार पांच क्वेश्चन पहले करा था ना वेरी गुड नेक्स्ट लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन कौन सी है सबसे बड़ी सिस्मोइड बोन कौन सी है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू इट इज अ पटेला कौन सी हो जाएगी पटेला बहुत अच्छे नेक्स्ट कौन सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को बचा के कौन रखता है बैक्टीरिया का फेगोसाइटोसिस कौन नहीं होने देता है तो इट इज अ कैप्सूल है ना एक थिक आउटर कवरिंग बनाता है ताकि फेगोसाइटोसिस ना हो नेक्स्ट पे आ जाओ करेक्ट व्हेन नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन लीव ऑफ द एंजियोस्पर्म लीफ में है एट्टी अब बाकी क्या आप बताओ बताओ बेटा क्या सही रहेगा वेरी गुड क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर का क्या आंसर हो जाएगा फोर्टीन लीफ होती है टू एन गैमिट हो जाते हैं एन तो इसका आधा कर दो तो आंसर हो जाएगा फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेप्टाइल रेप्टाइल्स के लिए क्या करेक्ट है रेप्टाइल्स के लिए क्या करेक्ट है सारे ही चीजें करेक्ट है प्लूरोडोन्थ है जैकॉब्स ऑर्गन है क्रेनियल लर्व सभी थर्टी सिक्स हमें डिसऑर्डर को मैच करना है डिसऑर्डर को मैच करना है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स तो टिटैनी जो होता है रैपिड ऑफ़ दी मसल होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है डिजेनरेन ऑफ द स्केलेटल मसल अर्थराइटिस इनफ्लामेशन ऑफ और ग्रेविस मतलब पैरालिसिस ऑफ दाइमिया स्कैलेटल थर्टी सिक्स का क्या हो गया टू हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एबसेंट इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें एबसेंट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें एबसेंट होती है प्रोकरियॉर्ट में एबसेंट होती है यहाँ पे प्रोकरियोट्स मतलब क्या मोनेरा में आएंगे जैसे बैक्टीरिया हो गया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई तो आंसर हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी नेक्स्ट इन्फेक्शंस बहुत प्रिविलेंट है एल्डरली एज में जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है उतना ज़्यादा इन्फेक्शन्स के चांसेस होते हैं तो ऐसा क्या है कौन सी मतलब वट डू यू थिंक इज द रीज़न हाँ तो रीज़न ये है क्योंकि जो थाइमस होता है ना ये क्या होता है इसकी एज के साथ एट्रोपी होती जाती है एज के साथ क्या होता है एट्रॉपी होती जाती है छोटी साइज होती जाती है इसीलिए और ये इम्यून फंक्शन करता है नॉट द सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वेशनल डिविजन इक्वेशनल मतलब पता है तुम्हें क्या है माइटोसिस माइटोसिस का सिग्निफिकेंस नहीं है थर्टी नाइन क्या माइटोसिस का सिग्निफिकेंस नहीं है बेटा ये नहीं है इतना न्यूक्लियर व्यूक्लियर का डिवीजन नहीं चल रहा ना इट इज इक्वेशनल डिवीजन इट इज नॉट अ रिडक्शनल डिवीजन बेटा एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिया इन ब्लड ब्लड में यूरिया बढ़ गया तो इसे क्या बोलेंगे जब ब्लड में यूरिया बढ़ जाता है तो उसे हम यूरीमिया बोलते हैं दैट इज नोन एज बेटा यूरीमिया वेरी गुड नेक्स्ट पे आ जाओ ए एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन सिंथेसाइज होते हैं तो ये वाला क्वेश्चन है ना पता नहीं बच्चे क्यों गलत करते हैं इतनी बारी बताने के बाद भी आप लोग गलत नहीं करना ये सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस में और रिलीज कहाँ से होता है रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ओके बेटा चलिए नेक्स्ट पर आ जाएंगे हम लोग लार्ज और इमेच्योर आरबीसी ये बड़ी बड़ी आरबीसी और इमेच्योर मतलब न्यूक्लियस न्यूक्लियस प्रेजेंट है क्या हम्म हम्म बताओ किसमें प्रेजेंट होगी किस वजह से होगी तो ये किस वजह से होती है पता है आपको हाँ ये होती है बी ट्वेल्व साइनोकोबालमीन की डेफिशिएंसी से नेक्स्ट अगर इन आयोडीन इज प्रोवाइडेड टू तो एक्सोल्टल लार्वा देन व्हाट विल हैपन ये पता है एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ था क्या आया हुआ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि अगर आयोडीन नहीं दोगे लार्वा का तो क्या हो जाएगा कम लार्वा को दोगे आयोडीन तो क्या हो जाएगा मेटामोरफोसिस विल बी एबसेंट पी वाई क्यू है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पहले का सवाल आया हुआ नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ रेड्यूला इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरी कॉमन क्वेश्चन फीचर ही है ये तो फाइलम का रेड्यूला कहाँ मिलेगा बेटा रेड्यूला कहाँ मिलेगा रेड्यूला मिलेगा मोलस्का में फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट चार स्टेटमेंट करेक्ट बताना है बता देंगे बच्चे डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है ह्यूमन फिजियोलॉजी के तो पापा है सभी लोग चलो फोर्टी फाइव सभी क्या है करेक्ट है फिर रेगुलर बावल मूवमेंट क्या करते हैं कॉन्स्टिपेशन करते हैं डायरिया में एब्जॉर्प्शन का फूड डिक्रीज हो जाता है और हाँ जॉप इट्स रिमूवल तो क्या लगाएंगे इसका ऑल ऑफ दीज लगाएंगे बिल्कुल चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम लोग पॉलन ग्रेन एक फ्लार का ट्रांसफर होता है ये एक फ्लार का पॉलन ग्रेन है ट्रांसफर तो टू में क्या हो रहा है बेटा कि प्लांट तो सेम है फ्लावर अलग अलग है बस फ्लार अलग अलग है तो जेनेटिकली तो क्या हो गया ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया क्या और इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन हो गया क्या 46 का आंसर बताएंगे आप लोग बताओ pollen grain of the टू plant। तो फोर्टी सिक्स का क्या आंसर हो जाएगा फोर्टी सिक्स का आंसर हो जाएगा हमारा डी स्टीरोड हॉर्मोन बाइंड विथ डैश रिसेप्टर एंड promotes डैश सिंथेसिस where प्रोटीन हॉर्मोन binds। बहुत अच्छे चलिए फोर्टी सेवन पर आ जाएंगे हम लोग तो स्टीरॉइड हॉर्मोन कहाँ पर रिसेप्टर होते हैं इनके तो घर में आना अलाउड है न्यूक्लियस के अंदर आके पार्टी करेंगे इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं किसका रिलीज करवाते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस करवाते हैं है ना हम्म और ये सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन तो सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करेगा इंट्रा न्यूक्लियर पे कुछ सर्टन रीजन होते हैं एनसीआर की लाइन देखो Cuts of क्या बोलते हैं इन सेल्स को क्या बोलेंगे को बोलेंगे क्या ये वाला हम सॉल्व कर चुके हैं ये वाला हम सॉल्व कर चुके हैं बताइए आप लोग हाँ तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री सेल सिस्टम कंप्राइज इज द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व फाइबर बिस्रल क्या करता है कंपराइज करता है होल कॉम्प्लेक्स ऑफ द नर्व फाइबर गैंगलिया एंड प्लेक्सिस बाय विच इंपल्स ट्रेवल्स फ्रॉम इम्पल्स कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है फोर्टी नाइन तो इम्पल्स कहाँ से ट्रेवल करेगी सी एन एस टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन बिसेरल मतलब अंदर वाले सॉफ्ट ऑर्गन है ना वेरी गुड नेक्स्ट अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन अ की उस पेयर को क्या बोलते हैं पेयर तो तुम्हें पता ही है पेयर को क्या बोलते हैं पेयर को क्या बोलते हैं कपल बोलते हैं तो इसको भी कपलेट बोलेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आइए ग्रैन्यूल्स आर नसल्स ग्रैन्यूल क्या होते हैं तो दे आर वॉट नसल्स ग्रैन्यूल फिफ्टी वन निसल्स क्या होंगे बहुत अच्छे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे क्या न्यूरॉन के प्रोटीन रहता है ना इसमें राइबोसोम्स वगैरह अटैच रहते हैं ना इसमें तो फिफ्टी वन का हो जाएगा बी एम फेस स्टार्ट विथ न्यूक्लियर डिविजन कॉरस्पोंडिंग टू द सेपरेशन ऑफ द डॉटर क्रोमोजोम कॉल्ड डैश एंड यूजली एंड विद डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड डैश देखो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनासिस बोलते हैं तो वैसे ही ये दो क्या होते हैं खत्म हो जाते हैं ठीक है उसके बाद वो क्या पूछ रहे हैं हाँ कि न्यूक्लियर डिवीजन तो इसका क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा थ्री फिफ्टी टू का क्या हो जाएगा सी बहुत अच्छे बेटा वेरी गुड हाउ मैनी ए टी पी वुड मैक्सिमली बी जनरेटेड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बताइए पूरा हाँ पूरा पढ़ लो और बता दो वेरी गुड बहुत अच्छे नाइस बेटा फिफ्टी थ्री का क्या आंसर हो जाएगा फिफ्टी सेवन हो जाएगा देखती हूँ मैं किस किस ने सही बताया है बहुत अच्छे फिफ्टी थ्री में बच्चे अटक गए ऐसा लग रहा है ना मल्टीप्लाई करना था और क्या पूछा क्या है क्वेश्चन में हाउ मैनी ए टी पी मोलिक्यूल्स वुड मैक्सिमली बी जनरेटेड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इफ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मोल ऑफ ग्लूकोज ऑफ सी ओ टू एंड एच टू ओ थ्री एट सिक्स किलो कैलोरी एंड द यूजफुल केमिकल एनर्जी अवेलेबल इन दी हाई एनर्जी फोस्फेट बॉन्ड ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए टीपी ट्वेल्व किलो कैलरी फिफ्टी सेवन कैसे सिक्स एटी सिक्स डिवाइडेड बाई ट्वेल्व क्या आंसर आया आया कि नहीं आया फिफ्टी सेवन क्यों क्योंकि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कैलकुलेट होंगे बाय डिवाइडिंग द टोटल एनर्जी बाय द एनर्जी ऑफ द वन मोल ऑफ ए समझे क्या बेटा नेक्स्ट ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक द न्यूक्लियर डिविजन इज न्यूक्लियर डिविजन कैसे होता है प्री न्यूक्लियर होता है इट इज प्री न्यूक्लियर बहुत अच्छे नेक्स्ट रोंगली मैच्ड कौन सा है गलत मैच कौन सा है ये बताइए विच वन इज रोंगली मैच्ड फिफ्टी फाइव नेक्स्ट इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मीजोजोम मीजोजोम के बारे में इनकरेक्ट क्या है गलत क्या है आप लोगों को ये बताना है विच वन इज इनकरेक्ट सभी बैक्टीरिया में थोड़ी होगा देखो बेटा बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ द एक्सेप्शन हम हमेशा ऑलवेज वर्ड यूज करने के बारी पहले चार बार सोचते हैं ना क्योंकि बायोलॉजी में तो एक्सेप्शन मिलना ही है तो ऑल नहीं होगा द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन और मिनरल फ्रॉम द सॉइल एब्जॉर्प्शन कैसे होगा फिफ्टी सेवन मोस्टली एक्टिव से ही होगा है ना मोस्टली कैसे होगा एक्टिव से होगा ठीक है नेक्स्ट पर आ जाए क्या वेरी गुड बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हो मैं आप लोगों की रिप्लाई पढ़ रही हूँ आखिरी में शाउटआउट बिल्कुल मिलेगा नेक्स्ट पर आते हैं चलिए द बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग इंटरब्रीडिंग के जो केपेबल है बताइए हाँ तो इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम स्पीशी बोलते हैं ये बहुत फेमस डेफिनेशन है नेक्स्ट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैन नॉट सस्टेन फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस को सस्टेन नहीं कर सकता वाई साइक्लिक फिफ्टी नाइन का आंसर बताइए क्यों नहीं कर सकता सस्टेन वेरी गुड बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो वाई इट कैन नॉट सस्टेन बढ़िया क्वेश्चन से बेटा ये ओनली ए टीपी डी पी एच इज नॉट फॉर्म्ड लिम्फ वेसल ड्रेन देयर मटेरियल इन टू लिम्फ वेसल अपना मटेरियल कहाँ ड्रेन करती है जो नहीं आता है ना बेटा इट इज ऑल अबाउट लर्निंग आपको वो सब लर्न करते करते चलना है है ना कि अगर जैसे कुछ नहीं बना आपसे पर्टिकुलरली तो उसको लर्न कर लो सिक्सटी का क्या आंसर हो जाएगा हम्म hmm. सिक्सटी का आंसर हो जाएगा हमारा सब क्लेवियन वेन सब क्लेवियन वेन बहुत अच्छे बेटा जिसने आंसर बताया मतलब बहुत पढ़ रहे हो तुम सिस्टमैटिक्स वर्ड का क्या मतलब है वट डू यू मीन बाई दी वर्ड सिस्टमैटिक तो ये लैटिन वर्ड से दिया है जिसका मतलब जिसका नाम है सिस्टमा इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट क्या होता है सिस्टमेटिक अरेन्जमेंट वेरी नाइस चलिए नेक्स्ट पर आते हैं मोर देन वन एडिशनल एम्ब्रियो आर फॉर्म्ड इन पॉली एम्ब्रियो फ्रॉम कैसे बनता है ये एडिशनल वेरी गुड सिक्सटी टू न्यूसेलस न्यूसेलस अ फीचर कॉमन इन गेमिटोफाइट ऑफ बोथ मॉस एंड मैक्सिमम फन बेटा ये क्लास डेली रात को आठ बजे होती है आठ बजे आ सकते हैं ठीक है थ्री का क्या आंसर हो गया इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि दोनों में क्या कॉमन है कि दोनों इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं एक्जिस्ट करते हैं टू प्रोड्यूस वन प्रुक्रक्टोस करो चलो बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला टू प्रोड्यूस वन फ्रेक्टोज रिस्पेक्टिवली हाउ मैनी एटीपी एन डीपीएच एन सीओ टू आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन साइकिल ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सेम रहेगा क्या आपको क्या लगता है सिक्सटी फोर पे आओ बेटा हम्म तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थ्री थर्टी एटीपी ट्वेल्व एन ईडी और सिक्स सीओ ड्यूरिंग ब्रीदिंग मूवमेंट कैसे इस्टेब्लिश मतलब कैसे हम वो करेंगे मेजर कैसे करेंगे बेटा एयर वॉल्यूम एयर वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे hmm, तो एयर वॉल्यूम हम करेंगे स्पायरोटर से नेक्स्ट पर आ जाइए मेन पिगमेंट ऑफ पीओाइसी पीओफाइसी की मेन पिगमेंट कौन सी है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स तो इट इज क्या वाटर करंट आप स्पॉन्जेस में देखे होंगे कि स्पॉन्जेस में वाटर कहाँ से कहाँ कैसे तो कैसे फ्लो होता है बताइए तो सबसे पहले क्या होता है ये ऑस्टिया है इससे अंदर आएगा ठीक है स्पॉन्जोसील में आ गया फिर एक ओपनिंग होगी ऑस्कुलम इससे बाहर चले जाएगा तो सिक्सटी सेवन का क्या आंसर हो जाएगा सिक्सटी सेवन का हो जाएगा हमारा थ्री नेक्स्ट कितने वैगजिलरी एस्टिवेशन शो करते हैं इसमें से कितने वैग्जिलरी एस्टिवेशन शो करते हैं अपना टाइम लगा लो बेटा कोई दिक्कत नहीं और बताओ वैगजिलरी काउंट करना शुरू करो Five, बहुत अच्छे करेक्ट अबाउट टिश्यू टिश्यू के बारे में क्या हो रहा है कि सारे स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं है बट एक करेक्ट है कौन सा करेक्ट है ये वाला करेक्ट है ब्लड में फाइबर होता है क्या प्लायबल ग्राउंड है क्या ये क्या ये है क्या नहीं चलिए नेग्लेजिबल इन ह्यूमन बॉडी आपकी बॉडी में नेग्लेजिबल क्या है बिल्कुल नहीं है बहुत कम है कौन सी चीज नेग्लेजिबल है इट इज फोर्थ वन इट बी नेग्लेजिबल नेक्स्ट अम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन एक्यूट चेस्ट पेन मतलब एकदम से बहुत ज्यादा चेस्ट पेन होने लगा कोई ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है है ना हार्ट मसल्स को इस वजह से वेरी गुड तो ये होता है एंजाइना नेक्स्ट जो डोरसल पार्ट ऑफ द अपर रिब से और एंड इंसर्ट ऑन वेंट्रल पार्ट ऑफ लो रिब हेल्प इन किसमें हेल्प करती है किसमें हेल्प करेगी बेटा सेवेंटी टू इट इज गोइंग टू हेल्प इन दी नॉर्मल इंस्पिरेशन सल्फर ड्रग्स हाँ ये जितने भी सल्फर ड्रग्स हैं ये क्या करते हैं फॉलिक एसिड सिंथेसिस नहीं होने दे रहे हैं है तो ये बैक्टीरिया को किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं आउट ऑफ एनसीआरटी नहीं है ये एनसीआरटी का ही है बताओ कैसे कर रहे हैं कंट्रोल वेरी गुड कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है, है जहाँ पर वो लगना था कोई और आके लग जा रहा है सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है फर्न में फर्टिलाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व पॉर्न में फर्टिलाइजेशन क्या इन्वॉल्व नहीं करता है बेटा 74 पोलन ट्यूब इन्वॉल्व नहीं करता कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाज गिवन बाय कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसने दिया था वाज इट गिवन बाय गॉस क्या है ना गॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज है तुम कौन सा है इतना ईजी क्वेश्चन है ये वाला बताओ बेटा हैप्लॉइड कौन सा है गेमीट होते है क्या तो दिस इज हैेशन किसमें दिखेगा कल की मॉक में भी ये क्वेश्चन आया था सूडो कॉपुलेशन किसमें दिखेगा बताइए सूडो कॉपुलेशन विल बी सीन इन टूडो पॉपुलेशन विल बी सीन इन अ फायरस इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है शुगर का एन एरोबिक रेस्पिरेशन में तो क्या चीजें फॉर्म हो जाती है विच थिंग आर फॉर्म्ड ऐसे केस में क्या क्या बनेगा क्या ऐसे केस में एल्कोहल और सी ओ टू बनेगा क्या आज रैपिड फायर में ज़्यादा मजा आया ना बहुत जल्दी जल्दी हमने करा ऐसे करने का ट्राई करेंगे हम इट इज़ एल्कोहल सी टू एच फाइव ओ एच थेनॉल इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लारे विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर बताइए इंसेक्ट पॉलीनेटेड फ्लार हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर क्या फीचर रहते हैं इंसेक्ट पॉलीनेटेड के सेवेंटी नाइन बहुत अच्छे स्मॉल पॉलन्स रहते हैं है ना ताकि चिपक जाए तुरंत स्टिकी रहते हैं अगर डिकम्पोजर्स कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे हम इकोसिस्टम से तो इकोसिस्टम की फंक्शनिंग बैडली अफेक्ट होगी मतलब अगर मैंने क्या करा मैंने क्या मतलब अगर बैक्टीरिया को फंगस को रिमूव कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा आपके इको सिस्टम पे? तो ये फ़र्क पड़ेगा सबसे ज़्यादा कि वो मिनरल रिसाइकिलिंग का, का काम करते थे अब मिनरल रिसाइकिलिंग क्या हो जाएगी बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी मिनरल रिसाइकिलिंग विल बी ब्लॉक्ड Lead to point mutation. से क्या पॉइंट म्यूटेशन करता है कर आखिरी में आप सभी लोगों को मैं शाउटआउट दूंगी डेफिनेटली डेली रात को आठ बजे मॉक होती है टाइम पर आ जाया करू बेटा रीजनल एंड लोकल वेरिएशन एक बायोम के अंदर न्यू वैरायटी ऑफ क्या फॉर्म करते हैं दे फॉर्म द न्यू वेराइटी ऑफ किस चीज की न्यू वैरायटी फॉर्म होती है अरे कौस्तव तुमने क्या नाम रखा है ये हैबिटेट फॉर्म होता है एक्सपेक्टेड फॉर अ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम जेनेटिक इक्विलिब्रियम जेनेटिक इक्विलीब्रियम में रहने के लिए रैंडम मीटिंग बहुत ज़रूरी है आज ही ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में आया था जिस जिस बच्चे ने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दिया है उन लोगों को डेफिनेटली ये लोग पता है ठीक है चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं कितनी फिशेस फ्रेश वाटर को बिलोंग नहीं करती बताइए फ्रेश वाटर को नहीं करती है मतलब मराइन है कितनी चार नहीं करती है बेटा है ना अर्थ इज एन ओपन सिस्टम फॉर अर्थ किसके लिए ओपन सिस्टम है एटी फिफ्थ अर्थ इज ओपन सिस्टम फॉर एनर्जी बिल्कुल बाहर से आ रही है ना एनर्जी तो सन से नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिगमा ऑफ अनादर फ्लार ऑफ द सेम प्लांट दूसरा है प्लांट सेम है ठीक है तो दैट इज वॉट इट इज जीटनोगेमी प्लांट ही अलग अलग हो जाता तो जीनोगेमी हो जाता वायरस से कौन सी डिसीज हो रही है विच डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस वायरस से कौन सी हो रही है इट इजन वॉट है ना पेपिलोमा वायरस करके एक वायरस होता है जो इसको कॉज करता है नेक्स्ट प्लांट्स आर किल्ड इन विंटर बाय फ्रॉस्ट बताओ एटी एट डेसिकेशन और मैकेनिकल डैमेज हो जाते हैं बहुत ज्यादा गिरता है ना ठंड में उससे इन द फैर इन दैक जीन जेड वाई ए आर ट्रांसक्राइब्ड इन प्रेजेंस ऑफ द लैक्टोज़ बिकॉज क्यों बेटा लैक्टोज में ही क्यों ट्रांसक्राइब करते हैं बिकॉज एन आइसोमर ऑफ़ द लैक्टोज बाइंड रिप्रेसर प्रोटीन ठीक है तो 89 नाइन का क्या आंसर हो जाएगा बहुत अच्छे बेटा थ्री हो जाएगा Next. तो ये आज का लास्ट है जीएनआरएच पल्स फ्रीक्वेंसी को कौन कंट्रोल करता है कल रात को हम आठ बजे फिर मिलेंगे बिल्कुल और डू लाइक द वीडियो अगर आपको आज का सेशन बढ़िया लगा है और मुझे बताना कि 90 में से कितने आपके करेक्ट हो रहे हैं कितने करेक्ट हो रहे हैं बताओ नाइन्टी में से कितने करेक्ट हैं आपके नाइन्टी में से कितने करेक्ट है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन कंट्रोल्स जीएनआरएच पल्स फ्रीक्वेंसी चलिए बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छे अब आप मुझे बता दीजिए आपके नाइन्टी में से कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं कल रात को आठ बजे फुल सिलेबस मॉक फिर से चलिए शाउट आउट देने का टाइम आ गया है जो जो बच्चों ने बढ़िया रिप्लाई करा है कमेंट बॉक्स में बता दो अपने मार्क्स एंड आई गिव यू शाउट आउट वेरी गुड कृष्णा मेघा विनय विशाल गीतिका सत्यम सोमू अद्वित श्रुति अदिति जानवी विनय प्रेरणा रौनित सिपरा शालू निशा श्री मल्हार फिल्मी सोनारिका नेहा श्रुति जीमेल एथली कोई रह गया हो तो बताओ बेटा अनुज कॉफी रॉबिन विनय श्रुति अफरीदी जानवी अंजलीना कौन कौन रह गया है रूजी रिजू पुष्पेंद्र मारिया राम विनय हर्षद सिया बहुत अच्छे कोई ऐसा है जो शॉर्ट आउट के लिए रह गया है कुमार ऋतिक साक्षी स्वराज लावण्या ऋतिक ऐश्वर्या निखिल हाँ यू कैन डेफिनेटली अपियर इन दीअकेडमी मॉक नाउ फिर से जाके अन अकेडमी खोलो मॉक आ जाएगा आप दे सकते हो बिल्कुल पियाली रहमान ऋतिक गीतिका गोविंद बहुत अच्छे चलिए कल रात को आठ बजे फिर मिलते हैं बेटा इफ यू हैव एंजॉयड दी सेशन डोंट फॉरगेट टू लाइक इट